नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। विपक्ष के सांसदों ने विनेश फोगाट पर हंगामा किया है, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और विपक्ष के व्यवहार की निंदा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अब सक्षम नहीं समझ पा रहा हूं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में विपक्ष ने विनेश फोगाट को लेकर हंगामा काटा है और सभापति की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और व्यवहार की विपक्ष के निंदा की है उन्होंने, और यह भी कहा है कि मैं अपने आप को अब सक्षम नहीं समझ पा रहा हूं। We have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are low unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain, right from the president to the prime minister to myself and many more. Everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. We'll give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have a bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां अमरजीत भगत का दर्द छलका है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का दर्द छलका। प्रदेश में हम लोगों की गलती से कांग्रेस की हार हुई है, ये अमरजीत भगत ने कहा। नेताओं में तालमेल की कमी हो रही है और इसीलिए हार वजह है। तेरा मेरा के खेल ने कांग्रेस का नुकसान किया है। चुनाव में हार पर अमरजीत भगत का दर्द छलका है। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। तो सुना आपने अमरजीत भगत का क्या कहना था। तेरा मेरा के खेल से नुकसान कांग्रेस को हुआ। श्रवण महन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बड़ी जल्दी शायद कांग्रेस के नेताओं को यह समझ में आ गया कि नुकसान कांग्रेस को क्यों हो रहा है। तेरा मेरा से नहीं चलेगा, हमारा वाला जो एक कहते विश्वास और एक सोच है वो होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आज अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस में, उनका एक बयान आया है सामने। उनका कहना है कि जो कांग्रेस की प्रदेश में हार हुई है, उसका कारण जो है जो बड़े नेताओं हैं उनसे और छोटे नेता शतक लाल सर के नेता से तालमेल नहीं रहा, और जिसके वजह से इसका खामियाजा कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ा और कांग्रेस की सरकार की हार हुई है। दरअसल लगातार जो है जो कांग्रेस जब सरकार थी तभी बड़े नेता है अपने खींचातानी से
पूरे मशहूर हो गए थे और जो है कुल मिलाकर ये देखा जा रहा था उस समय कि सभी बड़े नेता एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे थे और इसी का जो खामियाजा है प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उठानी पड़ी और जो है भाजपा सरकार में आई है। लेकिन ये बात आज जो है अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री थे उसने स्वीकारा है, उसने कहा कि हमारी गलती है जिसके वजह से हमारी हार हुई है। और श्रवण जानकारी साझा करने के लिए बिल्कुल, और ये भावनाएं हैं अमरजीत भगत की जो उन्होंने बयां की है।